हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के कई इलाकों में खेत कैसे जोते जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, शहरों में खेत मशीन ट्रैक्टरों द्वारा जोते जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खेत बैलों द्वारा जोते जाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बैलों द्वारा खेत कैसे जोते जाते हैं। ये देखिए, ये हल होता है। अब हमारे चाचा अब इस हल के बारे में हमें पूरी चीज बताएंगे। देखा आई प्रभु, ये ऐसे होता है। इस पे बैलों को बांधा जाता है। अच्छा, एक यहाँ और एक इस साइड में। ओके, ठीक है ठीक है। और ये रस्सी है उनको बांधने के लिए। और ऐसे होता है, ये फल होता है। फल हमारी गढ़वाली भाषा में इसको निछड़ू बोलते हैं। निछड़ू, अच्छा। और यही डूबता है, यही जमीन को फाड़ता है। अच्छा, ये किस चीज से बनाया होता है? ये लकड़ी का है, इसमें लोहे, ये जो ये लोहे की है। हाँ जी, ये रॉड यही जमीन को फाड़ती है। अभी जब थोड़ी देर में बैल आएंगे, फिर दिखाएंगे इनको कैसे बांधा जाता है। आज इस पूरे खेत को बैलों द्वारा जोता जाएगा। देखिए, ये खेत अभी जोते नहीं गए हैं, ये भी जोत देंगे। और नीचे जो आप खेत देख रहे हैं, ये जोत लिए गए हैं। और ये देखिए, बैल भी आ गए हैं। अब बैलों को हल पे बांध के इन्हें खेत में जोता जाएगा। हेलो, अब दोनों बैलों को हल पे बांध लिया गया है। अब इनके द्वारा हम पूरे खेत को जोतेंगे। ये देखिए, जैसा कि हल लग रहा है, उसके बाद जो मोटे मोटे टीले होते हैं मिट्टी के, निकलते हैं, ऐसे फोड़ते हैं पीछे से इंसान। और जहाँ पर कोने में हल नहीं लगता, वहाँ पर एक कस्सी से खोदा जाता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे खेत की तरफ चलते हैं जहाँ हल लग रहा है। और ये देखिए, दादाजी हमारे खेत में बीज बो रहे हैं। इस तरीके से खेत जोतने के बाद बीज बोए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जरा मैं भी हल लगा के देखता हूँ कि हल आखिर लगाया कैसे जाता है।
लकड़ियाँ निकालने पड़ती है ना, मैं तो ये दूसरे फसल को खराब कर देती है। ये जड़े डाल देती है, फिर ये जड़े डाल के फसल खराब हो जाती है। अच्छा, इसलिए ये कचरा साफ करना पड़ता है। अच्छा हाँ, तब जाके दूसरी फसल होती है। अरे यहाँ पर बो क्या रहे हैं? यहाँ पे सरसों बो रहे हैं। अच्छा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सरसों के बीज कैसे होते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हैं सरसों के बीज। दोस्तों मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। बाय फ्रेंड्स।